जब भी कोई स्पीशीज वाटर से इंटरैक्ट करती है, इंटरैक्ट कर रही है, इट इज गेटिंग सराउंडेड बाय वाटर, इट इज गेटिंग अट्रैक्टेड विद द अदर वाटर मॉलिक्यूल्स, देन दैट प्रोसेस इज नोन एज हाइड्रेशन. हाइड्रा, हाइड्रो इज ऑलवेज रिलेटेड टू वाटर. तो वाटर का हाइड्रेशन बोलो या वाटर से इंटरैक्शन बोलो, इस चीज को क्या बोलते हैं? हाइड्रेशन. अब जिसमें चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी उसका अट्रैक्शन वाटर की तरफ उतना ही ज्यादा होगा. क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है? जिसमें चार्ज डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी उसका अट्रैक्शन वाटर की तरफ उतना ज्यादा होगा. इसको इमेजिन करो, Li+ में चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा है तो बहुत अच्छे से वाटर से सराउंडेड होगा. जितना वाटर से सराउंडेड होगा उसका आयनिक रेडियस उतना बड़ा हो जाएगा.